तो भाई पहले जो मैं सैलरी बेस पे जो जॉब कर रहा था ना, मतलब कि एक मंथ जितना कमा रहा था ना पूरा महीने भर, उतना मैं आजकल 15 दिन में कमा लेता हूँ पार्सल बेस पे। जा रहा डायरी, ठीक है, इसे भी मतलब मैं हिसाब किताब जो है ना पूरा लिख के रखता हूँ। ठीक है, ये रहा 16 तारीख से, देख ही सकते हो पूरा 64, 81, 55, 48, 47, 684 रुपये लगभग। ठीक है, तक नहीं लगा सकता तू कि इस महीने मेरा कितना कमाई हुआ है, 50,000। अरे एक डिलीवरी बॉय अगर 50,000 रुपये महीना में कमाएगा तब तो हो ही गया भाई। 5 साल तक ना मैं मतलब कि सैलरी बेस पे जॉब कर रहा था, उस टाइम मेरा सैलरी जो है ना 7,200 रुपये था, तब से मतलब काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 या 5 महीना हो रहा है सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, उसके बाद 5K होने के बाद फिर आएगा सिल्वर प्ले बटन। 5K के बाद वो किस्त में पैसा आया था, फर्स्ट किस्त जो था ना मतलब कि 1 से लेकर 15 तारीख का, तो आया था मेरा 7,700 रुपये। ठीक है, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और पिछले एक महीने से मतलब कि लगातार मतलब बिना छुट्टी लिए काम किए जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ पार्सल बेस पे जॉब, तो इस महीना मैं कितना अर्न किया हूँ सारा चीज़ आज वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, जो भी सैलरी बेस पे जॉब करते हैं, सैलरी बेस पे जॉब करना सही रहता है या फिर पार्सल बेस पे, मतलब इनकम किस में ज़्यादा किया जा सकता है वो भी बताऊंगा। जो भी मेरे नए डिलीवरी बॉय भाई लोग देखते हैं वीडियो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आप भी बहुत कोई हैं जो पार्सल बेस पे जॉब करते हैं, बहुत कोई है जो सैलरी बेस पे करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक मोटिवेट वाला कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अभी तक सूरज तो निकले नहीं है, सुबह के 6 बज रहे हैं और चलते हैं। चलिए चलो, मेरा वाला भी बोरिंग में डालना है ना। चलो भाई, इतना सारा पार्सल जो है अपने आईडी में चढ़ा लिया हूँ। ठीक है, 60+ पार्सल है टोटल। चलिए दोस्तों, अपना बाइक जो है तैयार कर चुका हूँ और आज भी हाथ धूल कर लिया हूँ, ऊपर तक देख सकते हैं। ठीक है, निकलता हूँ फटाफट से पार्सल बांटने के लिए, और अभी फिलहाल मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरे को बोलेंगे चले जाओ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बांट दूँगा कुछ काज पार्सल EMD के लिए। ठीक है, चलिए इसको कहाँ रखते हैं, तो भाई चलते हैं, देखता हूँ आज कितना पार्सल डिलीवर कर पाता हूँ, हालांकि 60+ पार्सल है। ठीक है, ये दोस्तों हर दिन की तरह फर्स्ट स्टॉप पे आ गया हूँ, और मेरा पार्टनर भी आ गया है एक रिटर्न लेने के लिए, इसी भैया का पार्सल का रिटर्न। ठीक है, कॉल कर दिया है, खतरनाक मतलब आ रहे हैं कि अरे डबल ट्रिपल कॉल जाता है। भाई एक पार्सल दे दिया हूँ भैया को, और एक पार्सल है इस घर का। ठीक है, हालांकि भैया के पास कॉल कर दिया तो भैया बोल रहे आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब तक ना आ जाए। अरे हालांकि आज पार्सल भी अच्छा खासा ही है, मतलब कि बड़ा बड़ा ज़्यादा पार्सल हो गया। काफ़ी दिनों बाद इस होटल का पार्सल लेकर आया हूँ। ठीक है, हालांकि COD पार्सल है 2,000 रुपये का, फटाक से लेकर आता हूँ। भाई काफ़ी सारा पार्सल जो है ना बांट चुका हूँ, जितना भी बोरी में था ना पूरा कन्वर्ट कर लिया हूँ बैग में, और बैग का पार्सल जो है वो झोली में भर लिया हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ के एक पार्सल लेकर आया हूँ, एक बार घंटी बजा दिया हूँ। पार्सल था, पार्सल पार्सल पार्सल। फिलहाल दोस्तों अभी धूप भी निकल चुका है। ठीक है, सुबह सुबह एकदम पूरा छाया किया हुआ था, मतलब बादल बादल, ठंडी भी लग रहा था। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं ना पहले जो है जो पहले से मतलब वीडियो देख रहे हैं मेरा कंटिन्यू, ठीक है, तो मैं 4-5 साल तक ना मैं मतलब कि सैलरी बेस पे जॉब कर रहा था, उस टाइम मेरा सैलरी जो है ना 7,200 रुपये था, तब से मतलब काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 या 5 महीना हो रहा है मैं अभी पार्सल बेस पर काम करने लग गया हूँ, क्योंकि सैलरी जो है ना 7,200 से 7,800 हुआ, 7,800 से 8,300, 8,800 से 8,900, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है, नहीं क्या है क्या कस्टमर, हर घंटी तो बजा रहा हूँ लेकिन निकले नहीं। हर्ष भैया का पार्सल, अरे
ये दोस्तों पार्सल दे दिया हूँ, लेकर के हैं अंदर, पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई अभी ना हम लोग का सैलरी जो है, मतलब जब से पार्सल बेस पे काम करने लगा हूँ, ठीक है, मतलब कि दो किस्त में, मतलब कि हम लोग का सैलरी मतलब दे रहे हैं कंपनी वाले, मतलब एक से लेकर 15 तारीख तक काम करते हैं तो 17 तारीख को आ जाता है, और 15 से जो काम करते हैं तो वो 10 तारीख को आता है। ठीक है, तो मतलब एक किस्त जो है ना मेरा मिल चुका है, और सेकंड किस्त में कितना कमाया हूँ वो चीज़ मैं आज आप लोग को बोलने वाला हूँ, मतलब कि दोनों मिला के कितना हुआ है इस मंथ पूरा कमाई, वो भी बताने वाला हूँ भाई। ठीक है, और ये डॉगी जो है ना बाहर निकल गया, भौंक रहा था अभी भाई। इस घर का एक पार्सल लेकर आया था, कस्टमर जो है ना घर पे नहीं है, तो मैं बोला कि ऑनलाइन पे कर दीजिए, मैं पार्सल को अंदर डाल दूँगा। ठीक है, हालांकि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बोल रहे कि शाम हो जाएगा आते आते। और यहाँ पे क्या हो गया डॉगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, देखता हूँ कितने देर तक पे कर देते हैं, उसके बाद फिर पार्सल को रख दूँगा। और इस महीने दोस्तों मतलब दो किस्त में पैसा आया था, फर्स्ट किस्त जो था ना मतलब कि एक से लेकर 15 तारीख का, तो आया था मेरा 7,700 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो 15 से जो मैंने काम किया 31 तक का, उसका मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा अच्छा खासा आया था। और टोटल जो मेरा इस महीना का जो कमाई हुआ ना, मतलब कि पहला किस्त और दूसरा किस्त मिला के, वो बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा खासा हो चुका है इस साल। हालांकि अभी तक सैलरी आया नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को सैलरी आता है। ठीक है, और यहाँ का अभी तक कॉल आया नहीं मैडम का कि पैसा डाल दे रही हूँ जल्दी से, अब इंतज़ार कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, चलो भाई, काफ़ी सारा पार्सल जो है ना बांट चुका हूँ, फिलहाल ज़्यादा पार्सल बचा हुआ नहीं है। और बैग जो था ना उसको मैं भिजवा दिया हूँ एक भाई के पास ऑफिस, इसी घर का पार्सल था, दे दिया हूँ। मुश्किल से 10-12 पार्सल ही बचा हुआ है अभी। पूरा पार्सल जो है ना ख़त्म कर चुका हूँ, मात्र 3 पार्सल जो है कस्टमर ले नहीं रहे। ठीक है, सुबह एक पार्सल देकर गया था तो उस टाइम चेंज नहीं था, तो पैसा दिए नहीं थे, अब ले लेता हूँ पैसा, इसको निकलता हूँ सीधा ऑफिस। ठीक है, किधर से जाना है बोल रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे जाने के लिए, हाँ आइए जल्दी। तो भाई पहले जो मैं सैलरी बेस पे जो जॉब कर रहा था ना, मतलब कि एक मंथ जितना कमा रहा था ना पूरा महीने भर, उतना मैं आजकल 15 दिन में कमा लेता हूँ पार्सल बेस पे, जब से मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ। मम्मी को बुला दो, चलो भाई चुरंग जा रहे हो फिर पार्सल लेके बड़ा वाला। हाँ भाई, इसको खोल के तो ले जाता है, अलग अलग पार्सल लेके 4-5 आइटम है, टेप मार ले और अच्छे से। तो भाई मछली बना है और ये रहा चटनी, और चल रहा है क्राइम पेट्रोल या क्या चीज़ है, कुछ भाई लोग आए थे झंडा लगाने के लिए, लगा कर चले गए हैं, और मम्मी पापा जो है ना गए हुए हैं दीदी घर। ठीक है, और दोस्तों आज जो है ना टोटल पार्सल जो है ना 63 पार्सल लेकर गया था बांटने के लिए पार्सल, हाँ 63,
उसमें से जो है ना 57 पार्सल जो है आज मतलब कि पूरा डिलीवर किया हूँ, ठीक है। तो उसमें भी मतलब कि अच्छा खासा मतलब कि सोच ही सकते हैं कि इनकम हो चुका है 684 रुपये लगभग, ठीक है। और भाई शाम हो चुका है और आज मिस्त्री भाई साहब लोग आए नहीं, छुट्टी मार दिए हैं, नहीं तो आज घर जो है थोड़ा सा कंप्लीट हो गया होता। हालांकि कंप्लीट नहीं होता क्योंकि एल्बेस्टर जो है ना अभी तक लाया नहीं है। एल्बेस्टर लाएंगे तो फिर ढलाई हो जाएगा, मतलब कि ऊपर का छत जो है, छत छत ही बोलते हैं ना, एल्बेस्टर वाला भी छत ही बोलते हैं शायद, ठीक है। दोस्तों एक टाइम पर क्या है ना कि मैं जब जॉब करना स्टार्ट किया था, शुरू में ही मैं आप लोग को बता चुका था कि मतलब कि आजकल जो है ना मैं जब से पार्सल बेस पे जॉब करने लगा हूँ तब से मतलब क्या होता है कि पहले जो मैं पूरा महीना भर जो काम करके मेहनत करके जितना कमा नहीं पाता था उतना जो है ना अभी मैं 15 दिन के अंदर मतलब कि उतना सैलरी मेरा इनकम हो जा रहा है। मतलब पहले बोला था ना कि मैं 7000 से 7200 से चालू किया था काम करना, तो इस महीना जो काम किया 1 से लेकर 15 तारीख तक तो मेरा उसमें जो हुआ है ना 7700 रुपये का इनकम हुआ है, ठीक है। और छोटा बच्चा भी दौड़ते हुए आ गया है, क्या लगा के झंडा वहाँ पे लगा हुआ है ना, चलो चलो उठाओ किनारे पे, ऐसे मत फेंको, यहाँ पे लगा देता हूँ, हाँ गिर जाएगा नहीं। तो भाई अभी घर जाके आप लोग को हिसाब किताब दिखाऊंगा क्योंकि मैं जब भी काम खत्म करके घर आता हूँ तो मैं जितना पार्सल जो है डिलीवर करता हूँ उतना को जो है मैं रजिस्टर में लिखता हूँ घर में आके, ठीक है, ताकि पैसा इधर से उधर ना हो सके। और छोटा बच्चा कहाँ कहाँ जाके बस कचरा बिन बिन के ला के चिपका रहा है, छोटा बच्चा छोड़ा बच्चा का पोस्टर वाला पेड़ है। अभी ना छत्तीसगढ़ में जो है ना चुनाव होने वाला है, ठीक है, मुख्यमंत्री वाला और प्रधानमंत्री वाला, तो इसीलिए मतलब प्रचार प्रसार जो है ना किया जा रहा है। देख ही सकते हैं उधर जो है ना काफ़ी सारा झंडा लग चुका है आज कुछ दिन में, फिर अभी हाँ चार ठो ना बीजेपी वाले तो अभी प्रचार कर रहे हैं इधर, अभी आ जाएंगे कुछ दिन में कांग्रेस वाले भी। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में जो है ना कांग्रेस सरकार है, ठीक है। कांग्रेस वाले मतलब कि मुसलमान नहीं, पंजा छाप राहुल गांधी, अच्छा, और बीजेपी वाले हैं मोदी, समझे समझे। हाँ बीजेपी है मोदी, हाँ, और कांग्रेस है राहुल गांधी, यस गुड बॉय। तो भाई गैया को भी लेकर जाना है, चलेंगे ना लेकर, तो अभी आप लोग को घर जाने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है, जो मैं लिख के रखता हूँ फिर हिसाब करके दिखाऊंगा आप लोग को कि मतलब 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैं कितना अर्न किया, तो टोटल जो है इनकम वो मैं बताऊंगा कि इस महीना में कितना कंप्लीट काम हुआ है। हाँ बोलो क्या गाइस, आज मुझे बस में ना एक बच्चा मार रहा था, मैं आराम नहीं था, गाली दिया था। हाँ तुम पहले बोल चुके हो, पहले बोल चुके हैं, भूल जाते हो तुम। अरे गाइस हाँ एक बात बताऊँ, हमारा सिल्वर प्ले बटन का मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि हमारा वो आने वाला है, क्योंकि हमारा 4K तो हो चुका है और हमें 6K करना है। पगला सिल्वर प्ले बटन 1 लाख सब्सक्राइब होने पे होता है, मिलता है, 1 लाख होता है। और हम लोग का अभी 4000 कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 5K होने वाला है। तो भाई आप लोग बल तो भाई आप लोग तो भाई आप लोग तो भाई आप लोग तो भाई आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, 5K करिए और फटाफट से फिर हम लोग का बचा रहेगा कितना पता है, 95,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 5K होने के बाद फिर आएगा सिल्वर प्ले बटन 5K के बाद। हाँ फिर 95,000 भी करना है तब तो आएगा, तब बनेगा 1 लाख सब्सक्राइबर, समझे। पहले के बाद लाख पहले करोड़, पहले 5K तो हो जाए भाई कंप्लीट, करोड़ में करोड़ का मतलब होता है करोड़। अच्छा सुन ना सुन सुन, सिल्वर प्ले बटन अगर आ गया तो क्या करेगा मैं? हाँ कैसे करके? जिस दिन आएगा वो सिल्वर प्ले बटन, हाँ, उस दिन नहीं दिखाएंगे, उस दिन ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे, दूसरा दिन ब्लॉग बनाएंगे 5 मिनट का ब्लॉग। अच्छा वो भाई देखो चिड़िया गजब तोड़ के जा रहे हैं पूरा, गजब खतरनाक बहुत सारा। तो क्या करना है बताओ, क्या करना है, क्या करना है? मैं उस दिन ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे, अरे उस दिन ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे, जिस दिन आएगा ना उसके दूसरा दिन ना मिनी ब्लॉग बनाएंगे 5 मिनट का ना। मिनी ब्लॉग 1 मिनट का बनता है, 5 मिनट का नहीं, 1 मिनट का। सबसे पहले सिल्वर, देखो ये बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल से घर, ये जो ऑटो जो है ना मतलब ऑटो वाला जो भैया जो है ना बस अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ये वाला बैटरी वाला ऑटो लिया है, पता है तुमको कि नहीं पता? पता है गजब का, ताकि स्कूल वाला जो
किराया जो है ना लगता है, तो भैया जो है ना और आज हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं भैया, मस्त अपने घर के लिए यूज करिए, ले लिए हैं ऑटो, तो बच्चे लोग रोज स्कूल छोड़ेंगे स्कूल से ले आएंगे, कुछ लेता है वो अच्छा ही होता है। तो काफी सारा चिड़िया जो है ना हम लोग वहाँ पेड़ में आके बैठे है ना, कुछ कुछ यहाँ है और कुछ कुछ वहाँ इस वाले पेड़ में ना पहले तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं घर, घर जाके आप लोगों को हिसाब किताब दिखाता हूँ कि इस महीना मतलब 16 से 31 तक मैं कितना अर्न किया हूँ, ठीक है? क्या बाय बोल रहे हो, तो क्या करना है? सिल्वर प्ले बटन आ गया तो सबसे पहले सिल्वर प्ले बटन को बाहर ऐसे करो, लाल कपड़ा से ढको, नहीं सिल्वर कलर का एक ना एक गमछा का और डायमंड का ही कलर का कर देंगे, जो जिस कलर का सिल्वर प्ले बटन आया है उस कलर का कर देंगे ऐसे पीछे सिल्वर प्ले बटन का। एक कुछ है गाइस इसके अंदर, ऐसे बोलेंगे ना कुछ है जो 1 लाख में मिलता है, ये देखो भाई कितनी खुशी की बात होगी ना उस दिन जिस दिन मतलब सिल्वर प्ले बटन घर आएगा। ओ भाई उस दिन क्या सपना कंप्लीट होगा कभी, और देखो छोटा पता नहीं जल्दी हो जाए है कि नहीं। चलो अब घर चलते हैं, आपको हम हिसाब किताब दिखाते हैं। तो छोटा बच्चा इस महीना में कितना कमाया हूँ कुछ अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, कोई तोड़ा है देखो ना पेड़ का वो तोड़ा है। अंदाजा कोई लगा सकता है कि नहीं लगा सकता तू कि इस महीना मेरा कितना कमाई हुआ है? 50,000। अरे एक डिलीवरी बॉय अगर 50,000 रुपये महीना में कमाएगा तब तो हो ही गया भाई उतना तो महीना में 50,000 कमाएगा तो 50,000 को ना अगर रख देगा तो 50,000 को मिला के हो जाएगा 1,00,000। गजब बोलता है, चलो पहले हिसाब करते हैं देखते हैं इस महीने कितना कमाए। चलो गैया को ले आते हैं, सुनो ना गाय को ले आते हैं क्या यहीं पर बांध देते? चलो 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 अच्छा वो गाना लगा के गई है मोबाइल पे, यहाँ पे मैं सोच रहा था क्या कर रही है यहाँ पे। आ जा छोटा बच्चा आ जा, चलो चलो पानी पिलाऊंगा अभी, क्या हो गया इसको? इसको बांध दो मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ छोटा बच्चा पानी लेकर आते हैं इसके लिए, जल्दी से बांधो ना तो दौड़ने लग जाएगी नहीं तो। दौड़ेगी दौड़ेगी, इसलिए बोला था बांधो जल्दी से। चलो 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 पहले पानी पिला लेते हैं उसके बाद जाएंगे अभी मोनू को लेने के लिए, ट्यूशन गई हुई है। जा स्वेटर 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 पहन, क्या ठंडी लगता नहीं तो? मैं तो पहन लूँगा भाई, मेरे को तो ठंडी लगता है। रुको पहले पानी पिला लेता हूँ गैया को, वो वाला बाल्टी ले जाता हूँ। चलो भाई वहाँ से मोनू को लेकर आता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को हिसाब किताब करके टोटल जो है दिखाऊंगा, ठीक है? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा फिर से। चलो अंदर जाओ मैं जा रहा हूँ मोनू को लेने के लिए, ठीक है? उसका इतने में होगा, और बाल्टी ले आओ। मेरा डायरी, ठीक है? इसे मतलब मैं हिसाब किताब जो है ना पूरा लिख के रखता हूँ, ठीक है? ये रहा 16 तारीख से देख ही सकते हैं पूरा, 64, 81, 55, 48, 47, 53, 73, 71, 87, 78, 73। चलिए मैं जोड़ के फटाक से बताता हूँ, और आज जो है 57 पार्सल डिलीवर किया हूँ और पहले दिन 71 पार्सल। चलिए इतना को काउंट करता हूँ, पूरा हिसाब किताब करके आप लोग को बता। कल क्या हुआ ना, शाम को चला गया था मोनू को लेने के लिए ट्यूशन क्लास, वहाँ से आते आते क्या हुआ कि रात हो गया था, उसके बाद क्या हुआ मैं सो गया, ठीक है? उसके बाद मतलब सुबह उठ के फिर से चला गया काम में, और मैं वीडियो कंप्लीट कर नहीं पाया कि मतलब कितना टोटल इनकम बता नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बता देता हूँ, ठीक है? तो मतलब कि आज दूसरा दिन है। तो दोस्तों आप लोग को पहले ही बता चुका था कि मतलब 1 से लेकर जो 15 तारीख जो जॉब किया था तो उसमें मेरा इनकम जो हुआ था 7,700, ठीक है? फिर जो 16 से जो 31 तारीख का जो काम किया उसमें हुआ था 11,508 रुपये। अगर दोनों को जोड़ते हो आपस में तो हो जाता मेरा
टोटल जो है इनकम 19,208 रुपये, मतलब कि इस महीना जो है ना मैं 19,208 रुपये कमाया। तो भाई सैलरी बेस पे करता तो 8,000 मेरे को मिलता, अधिक से अधिक 9,000 मिलता, ठीक है। लेकिन पार्सल बेस पे जब से किया तो भाई देख ही सकते हैं कितना अधिक फ़ायदा हुआ, और ज़्यादा परेशान भी होना नहीं पड़ता है, हालांकि मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो या बोल सकते हैं कल का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक मोटिवेट वाला कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, हालांकि आज भी मिस्त्री भाई साहब आए नहीं,